हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन होंगे, आने वाले जो एग्जाम होंगे आपके जून में होंगे, दिसंबर में होंगे, उनके लिए जो जो विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस और बीसीए प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, उनके फाउंडेशन कोर्सेस के जो पेपर होते हैं उनका एनालिसिस करने जा रहे हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में, जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम होता है और कम समय में अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर लाना ही स्मार्ट स्टडी है। तो उसी कड़ी में, उसी दिशा में हमारा ये प्रयास है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो फाउंडेशन कोर्स है, आधार पाठ्यक्रम जिसको कहते हैं, इनमें दो तरह के कोर्सेस आपको पढ़ने होते हैं। इसमें एक तो कंपलसरी नेचर के होते हैं जो कि आपको पढ़ना ही है। इसमें क्या क्या है, एक तो BSHF 101 है, फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, ये 8 ग्रेड का होता है। इसी तरह से एक FST 1 करके होता है, फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और देन FEG 1, ये इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स होता है, ये 4 ग्रेड का होता है। अब इसमें FEG 1 या FST 2, एक इंग्लिश का होता है और एक हिंदी का होता है, दो में से कोई एक लेना होता है, कंपलसरी होते हैं। इसके बाद फिर आता है ऑप्शनल, इसमें से कुछ फाउंडेशन कोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के फाउंडेशन कोर्स आपको पढ़ना होता है अपने प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन 3 सालों के दौरान आपको ये लेने होते हैं। किस साल में कितने क्रेडिट का लेना होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं आपका बेस जो है वो क्लियर कर रहा हूँ कि फाउंडेशन कोर्स आपको लेने हैं, वो दो तरह के होते हैं, कंपलसरी होते हैं एक और ऑप्शनल होते हैं। फाउंड कंपलसरी तो आपको लेने ही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सब फर्स्ट ईयर में ही लेने हैं, इनका क्रेडिट के हिसाब से होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें देखिए, जो ऑप्शनल कोर्सेस हैं इसमें आपको कोई एक लेना होता है, ये सभी आपके 4 ग्रेड के होते हैं। 16 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लेना होता है, लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर है, मैंने 3 लिखा है जो मोस्टली विद्यार्थी लेते हैं, इसके अलावा बाकी के मैंने कोड नहीं लिखे हैं, केवल लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं, असमी, बंगाली, गुजराती, कैनेडा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, भोजपुरी और मैथिली। तो इस तरह से ये लैंग्वेजेस हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे क्या कितना लेना है आपको। ऑलरेडी आप इनरोल्ड हैं, आपने ऑलरेडी ऑप्ट कर रखा होगा, ये जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए, इसमें जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू और बीटीएस, इनके लिए ये है कि आपको जो फाउंडेशन कोर्सेस हैं उसमें 24 क्रेडिट लेने पड़ेंगे। 24 क्रेडिट का फाउंडेशन कोर्स आपको लेना पड़ता है। अब इसमें से कुछ आपको फर्स्ट ईयर में लेने होते हैं, कुछ सेकंड ईयर में लेने होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 16 क्रेडिट का फाउंडेशन कोर्स आपको लेना होता है और सेकंड ईयर में 8 क्रेडिट का लेना होता है। तो इस तरह से ये हो गए, पूरे 24 हो गए आपके, 24 क्रेडिट आपको लेना था। अब यहाँ पे देखिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, इन शुरू के 4 प्रोग्रामों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या कंपलसरी फाउंडेशन कोर्सेस लेने होते हैं। तो इसमें BSHF, FST 1, FEG 1 और FSG 2, इन तो फ्रेंड्स इनमें से कंपलसरी तो चारों हैं, लेकिन FSG 1 और FSG 2, इन दो में से कोई एक ही लेना, इलेक्टिव हैं, उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। इन 16 लैंग्वेज के इलेक्टिव होते हैं, कोई एक ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये आपका 16 क्रेडिट ही लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे आपने ये जैसे BSHF और FST 8 8 क्रेडिट के, अगर आपने ये दोनों ले लिए तो 16 क्रेडिट यहीं से आपके हो गए, फिर आपको इधर जाना ही नहीं है। ये 4 4 क्रेडिट का होता है, 4 यहाँ से लेना होता है और फिर 4 इधर से लेना होता है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कंपलसरी में भी आपके पास ऑप्शन है, लेना है आपको केवल 16 क्रेडिट ले, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, वो दिए हुए हैं 4 20 20 क्रेडिट के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इन 20 क्रेडिट में से कोई 16 आपको लेना होता है, ठीक है ना। और ये आपके जो इलेक्टिव हैं इनमें से ये 4 क्रेडिट का होता है, इनमें से लेना होता है। तो चलिए, अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। BTS में थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अलग बता रहा हूँ। BTS में BSHF 101, FST, FEG 1, FEG 2, ये सब इनके फर्स्ट ईयर में आते हैं, 4 क्रेडिट का, उन 12 लैंग्वेज में से कोई 4 क्रेडिट का एक लेना होता है, ठीक है ना।
और BCA में भी कंपलसरी है, PG2 फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 4 क्रेडिट का होता है, ये कंपलसरी है। तो अब हम बात जो करने आपसे जा रहे हैं, सबसे पहले जो BSHF 101 या FHS 1, ये दोनों ही कोर्स कोड एक ही हैं, चाहे आप BSHF 101 बोलें या FHS 1 बोलें, दोनों ही सेम कोर्स कोड हैं। तो सबसे पहला जो आपका ये फाउंडेशन कोर्स आता है कंपलसरी में, BSHF 101 फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के ऊपर है, 8 क्रेडिट का होता है। और इसे कौन कौन से विद्यार्थी लेते हैं, ये लेते हैं आपके, ये सभी विद्यार्थी लेते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम आपका जो कवर कर रहे हैं BSHF 101 या FHS 1, इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। BSHF 101 या FHS 1 फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम। 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे इस पेपर का तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं कि परीक्षाओं में जो आपका ये पेपर है BSHF 101 फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो जो ये 3 सेक्शंस में बंटा होता है ये पेपर, जो पहला सेक्शन होता है ये लॉन्ग आंसर के लिए होता है, लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, 500 शब्द इनकी लिमिट होती है और आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 4 में से 2 ही आपको करने हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 ही करने हैं, 500 शब्दों में आंसर लिखने हैं, लॉन्ग आंसर लिखने हैं आपको। और इस तरह से प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। सेक्शन 2 में क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं, लेकिन थोड़ा सा आंसर सॉल्व करने हैं, केवल 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 4 क्वेश्चन करने हैं, 8 प्रश्न दिए रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न 12 मार्क्स का होता है, यानी 48 मार्क्स आपको यहाँ से करना होता है। अब चलिए सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है, इस प्रश्न पत्र में 3 सेक्शन होते हैं, तीसरा जो होता है सेक्शन, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, 100 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है। 4 टॉपिक्स दिए होते हैं, उनमें से कोई भी 2 टॉपिक आपको करने होते हैं। 6 मार्क्स इस टॉपिक पे मिलते हैं, यानी कि ये 12 मार्क्स का होता है। इस तरह से 100 मार्क्स आपका ये पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है। तो मैंने विगत 4 सालों के जो क्वेश्चन पेपर से उनको डाउनलोड करके उनका एनालिसिस किया और मैंने देखा कि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सभी जगह सभी टर्म एंड एग्जाम में वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। जून 2014 से लेके मैंने अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे दिसंबर 2017, वहाँ तक के क्वेश्चन पेपर देखे, उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन पेपर बहुत कम्प्लीट होता है। तो ये एनालिसिस करने पे ये बात समझ में आई कि स्ट्रक्चर सेम रहता है, इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको मैं रिव्यू कर देता हूँ। 3 सेक्शंस में बटा होता है ये पेपर BSHF 101। पहले सेक्शन में लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, दूसरे में शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं और थर्ड में शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। पहला सेक्शन 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है, सेकंड वाला सेक्शन 12 मार्क्स प्रत्येक प्रश्न के लिए और थर्ड वाला सेक्शन में 6 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो ये तो बात थी कि किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। अब एक्चुअल में क्वेश्चन का क्या स्वरूप होता है वो आइए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे गए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे BCA भी लिखा हुआ है। BCA में पहले ये फाउंडेशन कोर्स लगता था BSHF 101 FHS 1, अब आजकल FEG 2 लगता है। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए ये देख सकते हैं, उनके लिए मददगार हो सकता है। चलिए चालू करते हैं। देखिए तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहला सेक्शन होता है इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 500 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको बाई लैंग्वेज मिलता है, हिंदी में भी मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें जिस लैंग्वेज में आपको ठीक लगे देख सकते हैं। तो हम प्रश्नों के स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे, उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारक क्या हैं,
भारतीय संविधान के बारे में क्वेश्चन आता है, विशेषताएं लिखना है, जैसा कि अर्थव्यवस्था के बारे में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी तरह से जो शॉर्ट आंसर हैं, चार प्रश्नों के 204 प्रश्न होते हैं 250 शब्दों में, जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। इसमें स्थानीय सुशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा। स्थानीय सुशासन हो गया, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका है, बजट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बजट बनाने से आप क्या समझते हैं और प्रशासनिक प्रक्रिया में इसका क्या योगदान होता है। इसी तरह से औद्योगिक अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से किस प्रकार डिफरेंट है, क्रमिक विकास के किसी एक सिद्धांत की विस्तारपूर्वक विवेचना, संघर्ष नियंत्रण में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है संघर्ष नियंत्रण में, उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछे गए हैं। और शिक्षा भारत जैसे देश में विकास की दिशा में किस प्रकार निर्धारित कर सकती है, जो शिक्षा है भारत जैसे देश में विकास की दिशा को किस प्रकार निर्धारित कर सकती है, इस पे आपको कारण देना है। और फिर क्या आप मानते हैं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तकनीक एक तरीका हो सकता है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए। अभी मैं आपको आगे का जो बताऊँगा उनमें से कुछ ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। फिर जो सेक्शन थर्ड होता है, इनमें दो प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं 100 वर्ड में, आपको इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, अजंता की गुफाओं के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, शिक्षा में शिक्षकों का योगदान। चार क्वेश्चन में से दो ही करने हैं, 6-6 मार्क्स के होते हैं। तो ये था, हमने एक ये क्वेश्चन पेपर उठाया था June 2014 का। चलिए जल्दी से कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। लौह युग तक मानव द्वारा औजारों और उनके प्रयोग के क्रमिक विकास की रूपरेखा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर में नरमपंथी एवं गर्मपंथी राष्ट्रवादियों के उद्देश्यों तथा तरीकों की चर्चा। पंचायती राज संस्थानों के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा। अशोक मेहता कमेटी में इन्हें किस प्रकार प्रतिबिंबित किया गया है। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्या यह भारत में ब्रिटिश शासन की देन है। और नस्ल तथा नस्लवाद शब्दों की व्याख्या, क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार है। पुनर्जागरण कला तथा स्थापत्य के आधारभूत लक्षण। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का परीक्षण। भारत में योजना की क्या सफलताएं तथा असफलताएं हैं इसके बारे में। भारत में जाति संरचना पर आधुनिकीकरण के प्रभाव की चर्चा। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाएँ क्या हैं। और आणविक शीतकाल के प्रभावों का संक्षिप्त विवरण। और इसके बाद थर्ड पार्ट में दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद, धर्मनिरपेक्षता था, राष्ट्रीय आंदोलन और पारिस्थितिकी संकट तथा कांस्य युग में शहरी क्रांति। चार में से किसी दो के आपको साल्ट में आंसर लिखने हैं, इनके बारे में बताने हैं। तो ये कुछ क्वेश्चनों का प्रकार था। अब ये दिसंबर 2015 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप ये जो पीडीएफ फाइल है इसको आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा अगर आपको आवश्यकता है तो। तो दिसंबर 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए आपके BSHF 101 या FHS 1 से, उनमें देख लेते हैं। औजारों का निर्माण करने वाले प्राणियों के रूप में मानव के विकास की चर्चा। कला और वास्तुकला को पुनर्जागरण का क्या योगदान था। एक संस्था के रूप में परिवार के कार्यों की व्याख्या। आपके विचार में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने, हाँ ठीक है, दो ही प्रश्न आपको करने हैं, 500 वर्ड में करने हैं। यहाँ पे चार प्रश्न करने हैं, जैसा कि शुरू में मैंने स्ट्रक्चर बताया था, सेम वही पैटर्न है, 250 वर्ड्स में करने हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया में नियोजन, गवर्नेंस की अवधारणा, लोकतंत्र के प्रसार में जन आंदोलन, जनांकीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं, अजंता चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषताएं, विकलांग लोगों के द्वारा अनुभव की गई सामाजिक समस्या, आखेट संग्रहण अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, यूरोप में प्रोटेस्टेंट क्रांति के स्वरूप की चर्चा। और थर्ड सेक्शन में चार क्वेश्चन में से दो करने हैं शॉर्ट आंसर। राज्य के नीट निर्देशक सिद्धांत, साहित्य के रूप में नाटक, हाशिए के समूहों के रूप में अनुसूचित जनजातियाँ और पंचायती राज। चलिए जल्दी से और
प्रशासनिक संगठन में संचार की भूमिका की चर्चा, डिजिटल विभाजन शब्द से आप क्या समझते हैं, मानव सुरक्षा के संदर्भ में अधिकार आधारित तथा मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित दृष्टिकोणों की तुलना, एक नृत्य शैली के रूप में कथक पर एक टिप्पणी, एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार का क्या कार्य है। देखिए, एक क्वेश्चन पहले भी आया था, दोबारा आ गया। इसी तरह से इसमें आप एक क्वेश्चन है ऊपर आया हुआ था, ये असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी बार बार रिपीट होता है। प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे, क्या भारत में विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी प्रभावकारी है, और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, रिपीट होता है ये। तो इस तरह से आपने ये बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और एक आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक इसमें और ले लेता हूँ मैं, उत्तर औद्योगिक समाज के स्वरूप की व्याख्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका है, सामाजिक संरचना शब्द से आप क्या समझते हैं, मानव सुरक्षा शब्द की चर्चा कीजिए, इसके बदलते आयामों की व्याख्या, फिर पुनर्जागरण शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या यूरोप में पुनर्जागरण से आगे चलकर मानववाद और व्यक्तिवाद फला फूला, आप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT को शिक्षा सुलभ कराने वाले के रूप में कैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, पीछे पूछा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के महत्व की चर्चा, ये साल्ट नोट्स में आया था। आपके विचार के अनुसार किशोर न्याय वितरण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, शांति का अर्थ है युद्ध की अनुपस्थिति, आज के संदर्भ में विचार करते हुए टिप्पणी लिखना है। शास्त्रीय नाटकों के रूप में भरतनाट्यम और कथक की तुलना, इनमें से एक कथक के बारे में पहले पूछा जा चुका है। किसी भी संगठन के भीतर संचार संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है, रियो शिखर सम्मेलन पहले भी पूछा गया है। परिवार की संस्था, ये परिवार, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले पूछा गया था, परिवार एक संस्था के रूप में, समाज का अध्ययन और मूल कर्तव्य। तो ये क्वेश्चंस रहे आपके सामने। तो अब आपको एक आइडिया लग ही गया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संघर्ष की प्रकृति तथा महत्व की चर्चा कीजिए, भारत में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने में योजना नीति के कहां तक सहायता की, योजना नीति ने कहां तक सहायता की, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विवेचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इसी तरह से 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन था, उसको भी आप अच्छे से पढ़ें। भारत में महिलाओं की स्थिति बदलने में किन कानूनी उपायों और सरकारी कार्यों ने सहायता की, ये चौथा क्वेश्चन था। फिर इसके बाद जो 250 शब्दों में आंसर लिखने थे, जान के वैज्ञानिक और धार्मिक रूप किन कारणों से पृथक हुए, कृषि के प्रारंभ होने के पश्चात मानव समाज और संगठन के परिवर्तनों की चर्चा कीजिए, 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में अंग्रेजी शासन के प्रति बुद्धिजीवियों का दृष्टिकोण, बाजार की विफलता का क्या तात्पर्य है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख कमियों के संक्षेप में चर्चा, भारत में जाति ने चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये आप देख लीजिएगा। भारत की संघीय व्यवस्था के कारण प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। विकास की प्रक्रिया में जनता की मौजूदगी,
मौजूदा भागीदारी के स्तर की चर्चा कीजिए और पर्यावरण के विनाश के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों की चर्चा। पर्यावरण के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, इन चार में से दो के ऊपर आपको लिखने हैं। इसमें पिछड़ी जाति के आंदोलन, ये पिछले वाले एग्जाम में भी पूछा गया, नाभिक युद्ध के खतरे इसको देख लीजिए आप, नवपाषाण क्रांति, धर्मनिरपेक्षता के बारे में गांधी और नेहरू के विचार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में हमारा मुख्य जो प्रयास था वो आपको बताना था कि फाउंडेशन कोर्सेस कौन कौन से होते हैं। उनमें से हमने एक पहला वाला कंपलसरी नेचर का जो फाउंडेशन कोर्स होता है BHF 101 या BHF 1 भी जिसको कहते हैं, इसको उठाया और हमने प्रयास किया आपको ये बताने का कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। इसके पहले मैंने आपको बताया फाउंडेशन कोर्स के बारे में, कंपलसरी कोर्सेज कौन हैं, ऑप्शनल कौन हैं, किस किस प्रोग्राम में कितने क्रेडिट के लेने होते हैं, कितने फर्स्ट ईयर में, कितने सेकंड ईयर में, इसके बारे में चर्चा की। और उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर समझाया और फिर फाइनली हमने लगभग 4 सालों के क्वेश्चन पेपर निकाले और उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में आपसे चर्चा की, आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताया। और आप अगर इस क्वेश्चन पेपर के PDF फॉर्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ID लिखें, मैं आपको ये मेल के द्वारा भेज सकता हूँ या आप डायरेक्टली इग्नू के साइट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मेल करें, मैं आपको इसको भेज दूँगा। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब हम प्रत्येक संडे में एक एक पेपर उठाएंगे, इसी तरह से अभी हम आपके फाउंडेशन कोर्सेज में कंपलसरी कंपोनेंट पे चल रहे हैं, BSSF अभी हमने उठाया है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट हम इसमें काम करेंगे, जो अगला पेपर लेके आएंगे वो FST 1 का लेके आएंगे, फिर FSG 1, FSG 2, उसके बाद कुछ हिंदी के जो ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं उसमें हम हिंदी और इंग्लिश का पेपर आपके लिए लेके आएंगे। तो इस तरह से अभी ये लगभग आप ये मान के चलें कि आने वाले एक डेढ़ माह में आपके ये सभी कवर हो जाएंगे। हर संडे में हम एक फाउंडेशन कोर्स का वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कहीं कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।